क्यों लॉक किया तुमने उसे? फहद उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं और क्या करूं? तो तुम्हें क्या लगता है सायरा, किस तरह सजा देने से वो ठीक हो जाएगा? क्या बात है बेटा, इतनी रात दुकान भागे जा रहे हो? प्लीज अंकल, वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे अपनी अम्मा के घर जाना है। जुनैद, जुनैद मेरी बात सुनो, जुनैद, जुनैद, जुनैद मेरी, जुनैद, जरीना, जरीना जी, बीबी जी, कहाँ है सब? सायरा कहाँ है? आपको नहीं पता? क्या नहीं पता, क्या हुआ है? वो जी छोटे साहब सीढ़ियों से गिर गए थे। क्या कस? जुनैद गिर गया था, क्या हुआ उसे? ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी ने चोट तो नहीं लगी, गिरकर बेहोश हो गए थे। बड़ी बेगम साहिबा ने अस्पताल लेकर गए हैं। बस जी दुआ करें सब ठीक हो। ईमान कहाँ है? वो जी उन्हीं के साथ गई हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो जी मैं समझी आपको पता होगा। क्या पता होगा, कैसे पता होगा? जाओ यहां से। पता होगा, मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद को ढूंढकर आपने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। शुक्रिया तो इस बच्चे का बनता है, हमने तो इसे नहीं ढूंढा, ये तो खुद हमारे पास चल के आया। इंस्पेक्टर साहब जुनैद इतने दिन था कहाँ? आइए वहां से। ये जिड़े पकड़ के ले गए थे इसको, हमने इनको पकड़ा है। बताओ इनको क्यों लेकर गए थे बच्चे को? वो जी हम इसे अपनी चंदा बनाना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें एहसास हो कि माँ बाप से जुदा करना बच्चों को कितना बड़ा गुनाह है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? माँ बाप से उनके बच्चों को जुदा करते हो? आप बेफिक्र हैं मास्टर साहब, अभी तो इनके बाकी गैंग को भी पकड़ना है, पता नहीं कितने बच्चे अगवा किए होंगे इन्होंने। नहीं साहब, हम ऐसे नहीं है, बच्चों को अगवा नहीं करते। सारे मुजरिम यही कहते हैं कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, पर हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी है जो सारे जुर्म कबूल करवा लेती है, जब मार पड़ेगी ना तो सब कुछ उगलवा लेती है। अंकल आप इन्हें मारिएगा मत, ये बुरे नहीं है, इन्हें मुझे अगवा नहीं किया। मगर जुनैद बेटा इन लोगों ने तो आपको अगवा किया था। नहीं इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, मैं खुद इनके साथ गया था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद रास्ता भूल गया था, इन लोगों ने मेरा ख्याल रखा। शर्म करो, ठीक हो इस बच्चे से, अभी भी तुम्हारे हक में बोल रहा है। आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। अंकल आप बोले ना। मास्टर साहब आप इन्हें छोड़ दीजिए। आपकी बात ठीक है मास्टर साहब, पर इसकी कोई कार्रवाई होगी, इसके बाद ही फैसला होगा। आप इस बच्चे को ले जाएं। साहब, इस बच्चे से एक मिनट बात कर सकती हूँ? बड़ा एहसान होगा। बेटा मुझे माफ कर दे, तुम बहुत बड़े दिल का मालिक है, मैंने तेरे साथ इतना जुल्म किया, लेकिन अभी भी तेरे दिल में मेरे लिए हमदर्दी है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतने से बच्चे का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता। मुझे माफ कर दे और जा, ख्याल करना। आप रोए मत, पुलिस अंकल आपको छोड़ देंगे।
अम्मा जी जुनेद अम्मा जी अम्मा जी तेरा शुक्र यार चला गया था तेरे आए मेरे बच्चे मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को अम्मा जी अब ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ गया हूँ आपके पास हाँ हाँ मेरा बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तू ही तो मेरी राहत का जरिया है तू ही तो मेरी खुशी का जरिया है आज मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा अच्छा हाँ मेरे पास ही रहना अम्मा जी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी हाँ मेरा बच्चा प्यारा हाँ मेरा प्यारा बच्चा ये आपकी दुआओं का असर है अम्मा जी वरना लापता बच्चों का वापस मिलना नामुमकिन होता है लेकिन सिर्फ मेरी दुआएं ही नहीं उसके साथ इसमें आपकी कोशिशें भी शामिल हैं अगर आप इसको ढूंढने में दिन रात एक ना करते तो ये हमें कभी ना मिलता कभी ना मिलता सच्ची बात कहूं तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब जुनेद नहीं मिलेगा लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और ना ही मुझे हारने दी मैं तो अपनी हिम्मत को हारने दे ही नहीं सकती मास्टर साहब मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं मरने से पहले उस बच्चे को अपने पास देखना चाहती थी वरना मैं खुद आगू क्या जवाब देती अम्मा जी मैं बड़ा मुतमइन कि मैंने इसकी जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की आपसे बेहतर इसका कोई ख्याल और देखभाल नहीं कर सकता मैं इसके लिए आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ ये तो आपका एहसान है मास्टर साहब कि आपने मुझ जैसी बेकस और लाचार औरत को इस काबिल समझा बस अब इसके बाद दुआएं इसको अपने माँ बाप ने जान से उनके पास चला जाए खाना खाया बेटा आपने चले मैं आपके लिए खाना नहीं कर रहा हूँ आपने दवाई खा ली थी खाती होती क्या हुआ कहाँ है मेरा बच्चा कौन से अस्पताल में कैसा है कुछ पता चला गुसाना आहिस्ते बोलो मैं आहिस्ता नहीं बोलूंगी आप बताएं मुझे अगर फहद ने सुन लिया तो मुझे इस वक्त किसी की परवाह नहीं है सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है मुझे बताएं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं गुसाना अल्हम्दुलिल्लाह कासिम बिल्कुल ठीक है उसे कुछ नहीं हुआ आप कैसी बातें कर रहे हैं वो सीढ़ियों से गिरा उसका सर फट गया उसको अस्पताल ले गए और आप कह रहे हैं कि वो ठीक है गुसाना मैं झूठ क्यों बोलूंगा अरे मैंने खुद अपने कानों से फहद को सायरा से बात करते हुए सुन लिया वो किस अस्पताल में वो ईमान भी साथ गई मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है मुझे बताएं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं बस वो कासिम को लेकर घर ही आ रही है बस मेरी गलती है सारी जिम्मेदारी मैंने अपने बच्चे की सायरा को दे दी नहीं अब ये नहीं चलेगा मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगी वो इस काबिल है ही नहीं आने दो उसे मैं दो टोक बात करती हूँ ऐसी बेवकूफी की हरकत मत करना जिसका अजाला हम पर भारी पड़ जाए फिर क्या हुआ मैं वहां से भाग गया अरे वाह तुम तो बहुत बहादुर हो तुम्हें डर नहीं लगा लगा था पर अम्मा जी की बहुत याद आई हम दोनों को भी तुम्हारी बहुत याद आती थी तुम्हें पता है खाला अम्मा तुम्हें रोज ढूंढने के लिए जाती थी और मुझे तो ये लगा था कि तुम कभी वापस आओगे ही नहीं मैं आ गया ना वापस हाँ अब रात को कभी बाहर मत जाना वरना फिर से खो जाओगे मैं अब नहीं खोऊंगा Oh.
ये क्या गंदे की आवाज थी? पता नहीं। अब कैसे मेरा बेटा? अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। हम इसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गए, अगर इसे कुछ हो जाता ना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हाँ सायरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बचत हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है सीढ़ियों से गिरा किस तरह। सब मेरी गलती है फार, मैं अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाई। अरे क्या हो गया इसे, कितनी चोट लगी है? हाँ सर पे पट्टी भी बंधी हुई है, क्या हुआ है? ठीक है भाभी, अब ये शुक्र है। सारी गलती मेरी, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकी वरना तो ये चोट ना लगती। अरे भाभी ये ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे परेशान हूँ, पाला है मैंने इसे, इतना अरसा मेरे साथ रहा है, मैं रखूंगी इसका ख्याल। भाभी हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप परेशान ना हो, ठीक है बिल्कुल वो। मेरे ख्याल से आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी औलाद है। आप लोग जाएं, जुनैद को आराम की जरूरत है, इसे सोना है। हाँ मैं यहाँ बैठती हूँ इसके पास। हाँ ये ठीक है, हम लोग चलते हैं। चले भाई ईमान बेटा चल। भाभी मैं हूँ इसके पास, आप बेशक जाए। बेटा इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब इन्हें दवाई और आराम की बहुत जरूरत है। लेकिन डॉक्टर चाचा काला अम्मा कब से कुछ नहीं बोली और वो आगे भी नहीं खोल रही है। बेटा ये सो रही हैं, अभी कुछ देर में उठ जाएंगी, तब तुम इन्हें ये दवाई खिला देना, और मैं कुछ दवाइयाँ लिख के भी दे रहा हूँ, तुम इन्हें बाजार से खरीद लेना। लेकिन डॉक्टर चाचा हमारे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर अंकल ये पर्चा मुझे दे, मैं लाऊंगा अम्मा जी के लिए दवाई। बेटा ये दवाई इनके लिए बहुत जरूरी है, अगर इन्हें ना मिली तो तबीयत मजीद खराब हो सकती है। डॉक्टर अंकल आप फिक्र ना करें, मैं खिलाऊंगा अम्मा जी को दवाई। ठीक है बेटा, अगर तबीयत फिर से खराब हो तो मुझे बुला लेना। डॉक्टर अंकल अम्मा जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा ये ठीक हो जाएंगी, बस इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, अब तुम इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना। डॉक्टर अंकल आपके पैसे कितने हुए? रहने दो बेटा, बस तुम इनकी दवाई ले आना। तुम ये दवाई कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इस दवाई को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। आ, 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 आ,
अंकल मुझे दवाई चाहिए। दिखाओ बेटा। सिरप ये लो। पैसे? कितने पैसों की दवाई? ये बेटा 400 की। पर मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपए की दवाई लेनी है ना तो कहीं और से जाकर दो। अंकल मैं आपको बाद में पूरे पैसे दे दूंगा, ये दवाई की जरूरत है, फिर मैं कहाँ से लूंगा ये दवाई? अच्छा बाद में पैसे दे दो, बाद में तुम्हारी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम जैसे बच्चों। ये पकड़ो जाओ यहाँ से। आ जाते हैं दिमाग खराब करने के लिए। जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पर आकर। खाला अम्मा आप उठ गई? महक बेटी क्या हो गया था आपको? डॉक्टर चाचा कह रहे थे आप बेहोश हो गई थी। पता नहीं बेटा, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे तो याद भी नहीं है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन वो जुनेद कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। वो तो आपके लिए दवाई लेने गए। हाँ, दवाई? हाँ वो डॉक्टर चाचा ने लिखी दी थी, सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्यों चला गया वो दवाई लेने? अरे वो फिर किसी मुश्किल में ना पड़ गया है। जा दादा उसको बुला के ला, ढूंढ के ला। वैसे तो बहुत देर हो गई है घर में, मैंने उसको रोका था पर वो मेरे को सुनता ही नहीं है। अरे मैं क्या करूं, वो तेरा अकेला चला गया इस वक्त। ये बच्चा हर बार मेरी वजह से किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता है। या अल्लाह अब पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा, मैं कहाँ से ढूंढूं? मुझे तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसको ढूंढ के लाऊं। आराम से क्या करूं मैं, क्या करूं? नहीं आ रहा आज नहीं। धीरे से चलना तू, पाऊं यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही
जुनेद, तुम्हें पता है खाला माँ तुम्हारे बारे में कितना पूछ रही थी? दवाई लेने गया था। ये तो मुझे भी पता है, पर इतनी देर लगा दी तुमने, और दवाई कहाँ है? ये रही। ये क्या है? दवाई की शीशी टूट गई। ये क्या किया तुमने? अब हम खाला माँ को दवाई कैसे पिलाएंगे? पता नहीं। महक बेटा। आई खाला माँ। अरे जुनेद आ गया। आ गया बेटा तू। मुझे माफ कर दे अम्मा जी। बेटा क्यों माफी मांग रहे हो मुझसे? दवाई टूट गई, अब आप ठीक कैसे होंगी? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अगर दवाई टूट गई है मेरे बच्चे, परेशान ना हो। अगर तुम दोनों मेरे पास रहोगे ना तो मैं ठीक रहूंगी। मुझे दवाई की जरूरत नहीं, बस तुम दोनों मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मैं ठीक रहूंगी। अच्छा हाँ, क्या कर रहे हो? खाला मैं जा जाएंगी। जुनेद कहाँ भाई? जुनेद जरीना को भेजा है, आता ही होगा, आप नाश्ता करो। और ईमान? ईमान ने तो नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। वैसे सायरा तुम नोटिस कर रही हो ना, उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा हुआ आजकल। पता नहीं क्या बात है, बाद मैंने पूछा भी लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं है। सायरा तुम्हें इस तरह से आराम से नहीं बैठना चाहिए था। जो भी बात है उसे पूछो, जो भी उसका प्रॉब्लम उसे एड्रेस करो भाई, बेटी हमारी आफ्टर ऑल। हाँ पूछती हूँ फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाईजान, बहुत देर हो गई आपको, और भाभी नजर नहीं आ रही, नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं वो शायद नाश्ता नहीं करेंगी। क्यों? नहीं वो जुनेद के पास है ना। ओ मैं अभी आई। नाश्ता तो करती जाओ। मैं जुनेद को देखती हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। मैं आती। थैंक यू भाई जान, प्लीज शुरू कीजिए। ये नहीं चाय भी दी जी मैंने तो चाय, ये नीचे। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बताओ मुझे मजे का है? जी बहुत मजे का है। इसलिए तो मैंने अपने हाथ से बनाया, मुझे पता था मेरे बेटे को अच्छा लगेगा। चलो शाबाश, सिप लो सिप लो। ये आप क्या कर रही हैं? इसे नाश्ता करा रही थी। भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं, जुनेद को नाश्ता मैं खुद करवाती हूँ। हाँ लेकिन तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि। मैंने कहा था लेकिन आपने जवाब तो नहीं दिया ना मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा भी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। मैं तो रात को आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन शायद तुम सो गई थी, फिर सोचा आप सुबह बात कर लेंगे। अच्छा चलो, तुम्हें बुरा लगा है तो मैं चली जाती हूँ। मामा आप कहाँ जा रही हैं? आपकी मामा अब आपको नाश्ता कराएंगी, ठीक है? नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे आपके हाथ से खाना है, उनसे नहीं। जिद नहीं करते ना आप, तो अच्छे बच्चे हो, खा लेना। भाभी हाँ, आप नाश्ता करवाते हैं जुनेद को, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद ही तो करना चाहती हूँ। चलो शाबाश, मैं खुद कराती हूँ अपने बच्चे को नाश्ता। मुँह खोलो मुँह खोलो। ऐसे
जुनैद तुम उठ गई, तुम रात भर नहीं सोए। मैं अम्मा जी के पैर दबा रहा था। काला अम्मा क्या कर रही हो, उन्हें सोने दो। तो काला अम्मा का बुखार चेक कर रही थी। वैसे काला अम्मा कैसे हैं? अब वो ठीक है, कुछ देर पहले ही सोई है। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है, रात को रोटी बची थी वो खा लेती। ये रोटी तो बिल्ली ने खा ली। पता नहीं मैं रात को ढक के रखी थी, पता नहीं बिल्ली कहाँ से आ गई। तो अब हम क्या खाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। बस यही एक रोटी बची थी। अच्छा ये रोटी मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। नहीं ये बिल्ली ने झूठा कर दिया है। हाँ तो घर पे कुछ और भी तो नहीं है ना? अच्छा रुको मैं कुछ लेकर आ। चलो तुम यहाँ पे और मैं और भाईजान नीचे तुम्हारा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ओह मैं तो बिल्कुल भूल गई। भूल गई थी क्या? बात है सायरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? खैरियत है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जुनैद को नीचे नाश्ते पे लाने के लिए गई थी और तुम खुद ही आना भूल गई। हाँ वो जुनैद के साथ थी ना, याद ही नहीं रहा मुझे, सहन से निकल गया। अच्छा अब किधर है जुनैद? अपने रूम में। अपने रूम में? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी है ना उसके पास। ओह तो ये है तुम्हारी परेशानी की वजह, यानी कि भाभी मान गई। हाँ मान गई है वो। तो सारा ये तो खुशी की बात है ना, भाभी जुनैद को सुधारने के लिए, उसे हमारे नजदीक आने के लिए हमारी मदद कर रही है। तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात पे। आप नहीं समझेंगे फहद, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाए। जब मैं किसी और को खाना खिलाते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल जलता है। सायरा तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खामखा अपना खून जला रही हो तुम। बात इतनी छोटी भी नहीं है फहद, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने ठीक भी किया है या नहीं, या अपने ही हाथों से अपने बच्चे को किसी और के हवाले कर दिया है। सायरा तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। ट्रस्ट मी, जुनैद तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आई प्रॉमिस। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, परेशान नहीं होना। चलो टेक केयर। ये क्या कर रही हो? तुमने आने में इतनी देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था, कुछ देर और भूख को रोक लेती।
ये रोटी तो इतनी सी है, मुझे अब भी बहुत भूख लग रही है। तुम क्या लाए हो? पर लाया हूँ, जितने पैसे थे उसमें यही मिला। अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दे। तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए? नहीं। ये लो, ये तुम खा लो। नहीं नहीं, मैंने बाहर ही खा लिया था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये तुम्हारे लिए है। ठीक है। क्या हुआ, इसे क्यों छोड़ दिया? बस मेरा पेट भर गया। जी फैजान जी, क्या हुआ? फौजिया लगता है नाराज हो गई है, इतने दिन से चक्कर ही नहीं लगाया घर पे। हाँ, वो दरअसल बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई थी, जुनेद ने अजीजा को मारा और चीफ आदमी मुझे बता रहे थे। जी जी फैजान भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं इसे शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। जुनेद कहाँ जा रहा है? ये मेरे साथ जा रहा है। मैंने आपसे सिर्फ मदद मांगी थी बाबू, आपसे ये तो नहीं कहा था कि जुनेद की जिंदगी का फैसला आप खुद करती रहे। फैसले तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, हम तो सिर्फ उन पे अमल करते हैं। क्या मतलब? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये जिद कर रहा था, रो रहा था कि मेरे साथ जाएगा, अब इसकी जिद के आगे मैं क्या करती? माफ करना, इस तरह मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये जुनेद के हर मामले पे मैं तुम्हें सफाई नहीं दे सकती। इस तरह इसको संभालना या इसको इसको समझाना मेरे लिए नामुमकिन है। जाओ भाई, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। मैं आपके साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम अपनी अम्मी के पास ही रहो। भाभी आप बुरा मान गए, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है जुनेद, अगर आपके साथ जाना चाहता है तो आप ले जाएं, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ आ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? अम्मा जी के कपड़े क्यों फैलाए हुए हैं? अम्मा जी ने कहा है उनके कपड़ों में कुछ पैसे रखे हुए हैं। तुम्हें कैसे पता खाला अम्मा के कपड़ों में कुछ पैसे रखे? अभी उन्होंने बताया, उनको वो पैसे चाहिए। ये क्या है? ये खाला अम्मा का ठेला लगता है, इसमें तो बहुत सारे बिस्किट्स हैं। ये थैला मुझे दो। रुको, कहाँ जा रहे हो खाला अम्मा के थैले को लेके? मैं अम्मा जी का काम करूँगा, बिस्किट बेचूंगा तो पैसे आएंगे, उसमें मैं अम्मा जी की दवाई ले लूंगा। तुम बिस्किट बेचोगे? हाँ, तुम यही अम्मा जी के पास रहो, मैं बिस्किट बेच के अम्मा जी की दवाई लेकर आता हूँ।
इतनी देर हो गई, फोन अटेंड नहीं कर रही, इतनी कहाँ रह गई हैं? अच्छा वो भाईजान आप आ गए। क्या बात है सायरा, इतनी परेशान क्यों? सब खैरियत तो है ना? भाभी कब से जुनैद को लेकर गई हुई है और फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या है, किस हाल में है? कहाँ लेकर गई है जुनैद को? मुझे कह रही थी कि शॉपिंग पे जाना है, लेकिन एटलीस्ट फोन तो उठा सकती है ना? हाँ वो आप प्लीज कॉल करें, हो सकता है आपका फोन अटेंड कर लें वो। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, शायद वो ट्रैफिक की आवाज की वजह से। हाँ लेकिन